जाते हैं और उनका क्या क्या उद्देश्य है शिक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेजरमेंट की। दी वर्ड मेजरमेंट एज इट अप्लाइज टू एजुकेशन इज नॉट सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम व्हेन इट इज यूज्ड इन एनी अदर फील्ड। इट सिंपली मीन्स डिटरमाइनिंग द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्किल और नॉलेज। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो मापन है वो उससे हम क्या पता लगाते हैं, वो उसका अर्थ क्या है कि वो डिटरमाइन करेगा, मतलब सुनिश्चित करेगा क्या एट्रीब्यूट्स मतलब गुण किसके, किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो सकता है, स्किल यानी कौशल हो सकता है, या नॉलेज या ज्ञान हो सकता है। यानी कि वस्तु ज्ञान और कौशल के गुण नापने की प्रक्रिया ही क्या है, मेजरमेंट, ठीक। अच्छा फिर इवेल्युएशन क्या है। While the word evaluation means creating valid and reliable assessments is critical to accurately measuring educational data, evaluating the information gathered, however, is equally important to the effective use of the information for instruction. Okay. अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या संबंध है मापन और मूल्यांकन में। दोनों कुछ तो आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तभी एक दूसरे की जगह भूल से कभी त्रुटिवश इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो क्या दोनों में संबंध है कि इवेल्युएशन इज इंटीग्रेटेड विद द एंटायर टास्क ऑफ एजुकेशन एंड नॉट ओनली विद एग्जामिनेशंस। यानी शिक्षा का जो पूरा टास्क है, पूरा उद्देश्य है, वो किससे जुड़ा हुआ है, मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। यानी कि मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा, परीक्षा के परिणाम, परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, मतलब एग्जामिनेशंस, टेस्ट्स एंड मेजरमेंट्स, परीक्षा और परीक्षण और मापन तक सिर्फ सीमित नहीं है, जबकि जो मूल्यांकन है वो शिक्षा के पूरे इंटायर टास्क से संबद्ध रखता है। और मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज ए क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ हाउ मच एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस हैज बीन। यानी कि एक व्यक्ति ने, एक छात्र ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसका सिर्फ एक क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन यानी कि मात्रात्मक जो सुनिश्चितीकरण है, जो मात्रात्मक निर्धारण है, वो मापन है। जबकि इवेल्युएशन हमको क्या बताता है, क्वालिटेटिव जजमेंट ऑफ हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्ट्री इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। यानी कि मेजरमेंट से सिर्फ ये पता चलेगा कि फलां छात्र के हिंदी में 60 नंबर आए, लेकिन इवेल्युएशन से हमको ये पता चलेगा कि वो 60 नंबर अच्छे आए, बुरे आए, कम आए, ज़्यादा आए। यानी कि क्वालिटेटिव जजमेंट जो है वो हमको इवेल्युएशन से मिलता है, जबकि मेजरमेंट से हमको सिर्फ एक क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन मिलता है। यानी और जाना चाहें तो मेजरमेंट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन व्हाइल इवेल्युएशन जजेस इट्स वर्थ और वैल्यू। यानी कि मापन सिर्फ एक सिचुएशन यानी एक स्थिति, एक घटना का वर्णन करता है, जबकि मूल्यांकन हमको उसकी वर्थ या उसकी कीमत या उसका मूल्य बताता है, ठीक। अच्छा, अगर हम इनमें विभेद करना चाहें, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, तो मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन, जैसा हम लोगों ने पहली बात की, जबकि इवेल्युएशन क्या है, क्वालिटेटिव जजमेंट है। मेजरमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन, ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिचुएशन, जबकि इवेल्युएशन क्या है, जजमेंट ऑफ द वर्थ और वैल्यू। मेजरमेंट क्या है, इट कम्स अंडर इवेल्युएशन, यानी कि ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, यानी कि ये संकीर्ण है, जबकि इवेल्युएशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल आउटकम, यानी कि सीमित है, संक्षिप्त है और क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, सिर्फ हम गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक आकलन करते हैं, जबकि इवेल्युएशन में क्या करते हैं, वाइडर प्रोसेस ऑफ जजिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी कि विद्यार्थियों की उन्नति का एक बड़ा प्रक्रम, बड़ा बड़ी प्रक्रिया है उनका निर्णय करने की। और मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव ओनली, सिर्फ इसमें हम मात्रा बताते हैं, जबकि इवेल्युएशन में बताते हैं क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव इंक्लूडिंग वैल्यू जजमेंट। यानी कि क्वांटिटेटिव तो है ही, लेकिन मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, और इसमें वैल्यू जजमेंट भी आता है। सॉरी अच्छा, अब हम लोग मेजरमेंट इवेल्युएशन की बात करें, हम बात करेंगे असेसमेंट और इवेल्युएशन, यानी इन दोनों में क्या एक दूसरे से संबंध है, कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है, क्यों ये कभी कभी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, क्यों ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज डिफाइंड बाई www.edglossary.org, इस साइट से लिया है मैंने इसको। रिफर्स टू द वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स और टूल्स दैट एजुकेटर्स यूज टू इवेल्युएट, मेजर एंड डॉक्यूमेंट द एकेडमिक रेडीनेस,
लर्निंग प्रोग्रेस, स्किल एक्विजिशन और एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि ये बहुत सारी विधियों और बहुत सारे जो टूल्स हैं उनका ये सम्मिश्रण है, उनसे ये संबंध रखता है, जिससे कि जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपका इवेलुएट यानी छात्रों का मूल्यांकन कर सकें, मापन कर सकें, डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, किस किस चीज़ों का वो कितने तैयार हैं एकेडमिकली, उनकी लर्निंग प्रोग्रेस कितनी है, उन्होंने कितना स्किल एक्विजिशन किया है या उनके क्या शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। इन सबको मापने के लिए जिन जिन विधियों, प्रविधियों, प्रकरणों, उपकरणों का शिक्षाविद प्रयोग करते हैं, वो सब कुछ असेसमेंट में आ जाता है। तो असेसमेंट क्या है, देखिए नीचे की डायग्राम से समझिए। असेसमेंट इज ऑन गोइंग यानी कि चलता रहता हमेशा, इज पॉजिटिव यानी मूल्य हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है, इज इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि इसमें विभिन्नीकृत है, एक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है, प्रोवाइड्स फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि यहाँ प्रदान की जाती है, जबकि इवेल्युएशन में क्या है, प्रोवाइड्स क्लोजर यानी कि हम एक जैसे सेमेस्टर की समाप्ति पर आपका इवेल्युएशन करके आपको बताएं कि आप पास हैं या फेल, ये भी तो एक इवेल्युएशन का प्रकार है। तो ये हमको समाप्ति की ओर ले जाता है, जबकि असेसमेंट क्या है, ऑनगोइंग है। इवेल्युएशन क्या है, जजमेंटल है यानी आप अच्छे हैं बुरे हैं, कम अच्छे हैं कम बुरे हैं, हम जजमेंट देते हैं इस इवेल्युएशन में, और शो शॉर्टफॉल्स यानी कि आपकी कमियां भी बताता है। और दोनों में संबंध समानता क्या है, बोथ रिक्वायर क्राइटेरिया यूज मेजर्स आर एविडेंस ड्रिवन यानी कि दोनों ही में एविडेंस देना पड़ता है आपकी कमी या अच्छाई के लिए। फिर गोल्स क्या है असेसमेंट के, सॉरी आकलन के लक्ष्य, ये टू फोल्ड इन नेचर है यानी कि इसके दो मुख्य गोल हैं। क्या, इट इनेबल्स द टीचर टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड टू देन डिटरमाइन व्हाट द लर्नर नोज और डज नॉट नो, एंड कॉन्करेंटली ड्राइव्स द प्लानिंग फेज इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स, द टीचर मे नीड टू डिफ्रेंशिएट द इंस्ट्रक्शन यानी कि दो इसके फोल्ड हैं, दो इसके मुख्य काम है। पहला काम ये है कि ये शिक्षक को इस योग्य बनाता है कि वो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके जिससे ये सुनिश्चित कर किया जा सके कि छात्र को क्या आया क्या नहीं आया और हमको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। और दूसरा, द टीचर इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक इन ए टाइमली मैनर टू द स्टूडेंट, अगर ये सब शिक्षक को पता चल जाएगा तो वो समयबद्ध तरीके से छात्र को एक पॉजिटिव फीडबैक प्रदान कर पाएगा, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, जो अधिगम है और जो विकास है क्या उसमें भी कोई संबंध है, और अगर है तो सॉरी किस तरीके का है। देखिए इस डायग्राम में, फ्लो चार्ट में बताया गया है कि जो अप्रोचेस पांच तरीके से हम लर्निंग और डेवलपमेंट को पांच आयामों से समझा सकते हैं, दूसरे से रिलेशनशिप संबद्ध कर सकते हैं, जैसे अप्रोचेस टू लर्निंग यानी सीखने के अधिगम के उपागम क्या हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन मीन्स भाषा विकास और संचार, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स स्वास्थ्य और बहुत शारीरिक विकास, और इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक और सामाजिक विकास, इन सब में लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन की, यानी कि अगर हमने मेजरमेंट समझ लिया, हमने असेसमेंट समझ लिया, अब हम इवेल्युएशन समझने जा रहे हैं कि इवेल्युएशन का अर्थ क्या है। इवेल्युएशन इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्स, मोटिवेशन, नॉलेज एंड द लाइक। It serves as an inbuilt monitor within the program to review the progress in learning from time to time. मतलब कि ये हमारे प्रोग्रेस, हमारा जो भी प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम हम चला रहे हैं, BA, MA, BEd, MEd जो भी चला रहे हैं, उसमें ये इनबिल्ड है, मॉनिटर करता है कि हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चल रही है उसमें लर्निंग टाइम टू टाइम में कितनी प्रोग्रेस है, छात्र ने हम क्या उद्देश्य लेकर चले थे और छात्र उन उद्देश्यों के को कहाँ तक प्राप्त कर पाया और हम कितने सहायक सिद्ध हुए उसको, इस उद्देश्य को प्राप्त कराने में। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फीडबैक, और ये फीडबैक प्रदान करता है कि मान लो बिल्कुल हमने कोई प्रोग्राम रन किया और उसमें हम अपने आउटकम्स को, अपने गोल्स को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बता देगा कि आप इसको रोक दीजिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पीरियोडिक एक्सरसाइज है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा अब हम बात करेंगे रोल ऑफ इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें मूल्यांकन की क्या भूमिका है। तो देखिए मूल्यांकन की भूमिका जो है उसको हम एक त्रिकोण से समझ सकते हैं, ट्रायंगल से समझ सकते हैं कि जिसके तीन बिंदु क्या है। पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमने इस कोर्स की, इस प्रोग्राम की रचना की है। फिर लर्नर एक्सपीरियंस, यानी कि छात्र को, अधिगमकर्ता को क्या अनुभव प्राप्त हुए, और लर्नर अप्रेजल, यानी कि छात्र का जब हम अप्रेजल करें तो हम क्या पाएंगे कि उसने कितना उसको अचीव कर लिया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन की, यानी कि अगर हम परिभाषा के रूप में समझना चाहें तो मूल्यांकन क्या है। बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे एजुकेटर्स ने बहुत अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में मिलता है, टू मेजर मीन्स टू ऑब्जर्व और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएट इवैल्यूएशन मीन्स असेसमेंट और अप्रेजल। ये देखो ये इंसाइक्लोपीडिया में हमको जो इवैल्यूएशन है वो बता रहा है कि वो अप्रेजल या असेसमेंट ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनकी डेफिनेशन देखें तो ये पता चलता है। फिर जेम्स एम ब्रैडफील्ड क्या कहते हैं कि इवैल्यूएशन इज द असाइनमेंट ऑफ सिंबल्स टू फेनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द वर्थ और वैल्यू ऑफ ए फेनोमेनन यूजुअली विद रेफरेंस टू सम सोशल कल्चरल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स। इनकी डेफिनेशन समझने के लिए कह रहे हैं कि हम किसी घटना को जब कोई चिन्ह प्रदान कर देते हैं, वही चिन्ह का मतलब कोई नंबर, कोई फिगर, कोई ग्रेड, वही मूल्यांकन है, जिससे कि हमको पता चल सके। और वो भी कैसे करते हैं, किसी ना किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट करते हैं ये काम। ठीक है, अच्छा, ग्रोनलैंड एंड लेन ने क्या डेफिनेशन दी कि इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच प्यूपल्स आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जो मूल्यांकन है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि हमको हैपजर्ड वे में कहीं नहीं जाना है, सिस्टमैटिक तरीके से हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है, संग्रहण करना है, एनालाइज यानी विश्लेषण करना है, इंटरप्रेट मतलब अर्थ निकालना है, किसका, इंफॉर्मेशन का, जो भी सूचना हमारे पास है, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट, उस सीमा तक सुनिश्चित करने के लिए कि जो शिष्य हैं हमारे, जो अधिगमकर्ता हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को किस सीमा तक अचीव यानी प्राप्त किया है। ठीक है, आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली बाइलिंगुअल, यानी कि जो लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके वाले, दोनों भाषा में, दोनों ही भाषाओं में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस लेक्चर से। ओके, सारा मैटर आपको इंग्लिश में और समझा में सारा हिंदी में रहेगी। ओके, अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट एक्सटेंडेड डेफिनेशन इवैल्यूएशन की मानी जाती है, जो सबसे बढ़िया, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है इवैल्यूएशन की, वो है सी ई बेबी, और जो 1977 में दी गई, मतलब बहुत रीसेंट है, वो कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन क्या है, द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस टू ए जजमेंट ऑफ ए वैल्यू विद ए व्यू टू एक्शन। वही बात कह रहे हैं कि हमको सिस्टमैटिकली कलेक्ट करना है और इंटरप्रिट करना है जो भी एविडेंस हमको मिलता है, इस तरीके से कि हम किसी जजमेंट पे पहुंच पाए, हम कोई वैल्यू प्रदान कर पाए किसकी, छात्र की, प्रोग्रेस की। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में चार मुख्य बिंदु हैं, चार मुख्य तत्व हैं जिन पर ध्यान दिया गया। पहला क्या है, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दूसरा इट्स इंटरप्रिटेशन, तीसरा जजमेंट ऑफ वैल्यू, और चौथा विद अ व्यू टू एक्शन, यानी कि कुछ काम करना है उस डेटा को लेकर, बैठना नहीं है। फिर हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि कितने पक्ष हैं मूल्यांकन के। तो मूल्यांकन के मुख्यतः चार पक्ष हैं। पहला, हम लोग ने जो अभी ट्रायंगल की बात की वही बता रहा है ये। पहला क्या, ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तीसरा लर्नर अप्रेजल, और चौथा पक्ष जो है वो इन तीनों के बीच का अंतर संबंध, ये सब मिलकर इवैल्यूएशन के पक्ष बनाते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, अगर हम ये बात करें कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषता क्या है, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सबसे पहली बात। दूसरा, इवैल्यूएशन ऑलवेज अज्यूम्स दैट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव प्रीवियसली बीन आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड, यानी कि हम जब भी कोई निर्धारण करेंगे किसी कार्यक्रम का, तो हमको पहले से शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना है, ये मान के चलता है इवैल्यूएशन, तभी तो हम उसको देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया या हमने नहीं अचीव कर पाए। फिर और क्या बात उसकी विशेषता है, ये मानकर चलता है कि लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टीचिंग, यानी कि हमको एज अ टीचर ये समझना चाहिए कि हम क्या टीच कर रहे हैं उसका सारा इम्पैक्ट इस पर है कि बच्चा क्या सीख रहा है, छात्र क्या सीख रहा है,
टीचिंग इज नो वैल्यू इफ इट डज नॉट रिजल्ट इन लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. हम कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम कितना भी अच्छा संप्रेषित कर रहे हैं, अगर वो शिष्य ग्रहण नहीं कर रहा है, उसके पार्ट पे लर्निंग नहीं हो रही, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई अर्थ नहीं है. फिर टू असेस द स्टूडेंट्स एंड देयर कंप्लीट डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट थ्रू एजुकेशन इज इवैल्यूएशन. यानी कि छात्र का पूरी तरीके से आकलन कर लेना, उसके संपूर्ण विकास को समझ लेना, शिक्षा में उसने कितना विकास हुआ है उसका, यही क्या है इवैल्यूएशन है. और इवैल्यूएशन इज द डिटरमिनेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. हम क्या लेकर चले थे और हमने क्या अचीव किया, इनके बीच का जो कॉन्ग्रुएंस है, जो समानता है, वही मूल्यांकन है. फिर स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, कौन कौन से चरण हैं जिनमें चरणबद्ध तरीके से हम चलेंगे तो हम मूल्यांकन के चरणों को पर चल पाएंगे. वो है पहला आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि कभी भी हम कोई भी प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसके साधारण उद्देश्यों का निर्धारण करना है, मतलब पहचान करनी है और परिभाषित करना है. उसी तरह से विशिष्ट उद्देश्यों की पहचान करनी है और उसको परिभाषित करना है. फिर सेलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स, हमको ये तय करना है कि उसमें हमको कौन से शिक्षण बिंदुओं का चुनाव करना है, कौन से शिक्षण बिंदु पढ़ाए जाएंगे. फिर प्लानिंग सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज, हमने शिक्षण उद्देश्य चुन लिए, हमने शिक्षण बिंदु चुन लिए, उसके बाद हम क्या चुनेंगे कि कौन से वो सूटेबल लर्निंग एक्टिविटीज है, यानी कि उचित कौन सी प्रक्रियाएं आएंगी अधिगम की, उनका हमको निर्धारण करना है, उनकी योजना बनानी है. उसके बाद हमको इवेलुएट करना है, हमने उसको कितना पाया, कितना नहीं पाया, कितना हम कहाँ चूक गए, और उसके बाद यूजिंग रिजल्ट्स एज फीडबैक, यानी कि जो भी परिणाम हमारे पास आएगा उसको हम पृष्ठ पोषण की तरह से लेंगे. पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा आया है. इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस. देखिए बहुत सारे फंक्शंस इवेलुएशन के हो जाते हैं एजुकेशन की फील्ड में. प्लेसमेंट फंक्शन, यानी आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा ग्रेड है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, यानी कि आपको किस तरीके के एनोवेशन की ज़रूरत है. डायग्नोस्टिक फंक्शन, यानी कि ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे हमको बढ़िया सुधार करने की ज़रूरत है. प्रेडिक्टिव फंक्शन, यानी कि ये बता सकता है कि प्रेडिक्शन कर सकता है इवैल्यूएशन की आगे कैसा रहेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, गाइडेंस, आपको गाइडेंस दे सकते हैं. मोटिवेशन फंक्शन, आपको मोटिवेट किया जा सकता है. डेवलपमेंट फंक्शन, रिसर्च फंक्शन, कम्युनिकेशन फंक्शन, इस तरह से कई सारे फंक्शन हैं. ठीक है, अच्छा ये बड़ी खास बात, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. अगर हम ये बात करें कि मूल्यांकन कितने प्रकार का है, तो मूल्यांकन जो है वो तीन तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, तीन तरीके से उसका विभाजन कर सकते हैं, तीन तरीके से उसके प्रकार बताए जा सकते हैं. फंक्शंस यानी कार्य के आधार पर, अप्रोचेस यानी उपागम के आधार पर, और उसके नेचर के आधार पर. ठीक है, रेफरेंस या इंटरप्रिटेशन के नेचर के आधार पर कि हम उसका अर्थ कैसे निकालेंगे. तो फंक्शन के आधार पर जो मूल्यांकन के प्रकार है वो चार प्रकार के हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव. यानी कि आपका प्लेसमेंट करने के लिए, फॉर्मेटिव का मतलब अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो टाइम टू टाइम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस में सुधार करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है वो फॉर्मेटिव है. डायग्नोस्टिक का मतलब ये पता लगाने के लिए, डायग्नोज करने के लिए लर्निंग डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ आ रही हैं. और समेटिव यानी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द टर्म जो इवैल्यूएशन करते हैं वो ये ग्रेडिंग देने के लिए कि वेदर यू आर पास और यू आर फेल, वेदर यू आर एबल टू अचीव दैट मच स्कोर और नॉट, ये समेटिव इवैल्यूएशन है. और अप्रोचेस में वही बात आ जाती है, फॉर्मेटिव, समेटिव. और जो ये खास बात है इंटरप्रिटेशन और रेफरेंस के आधार पर, वो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस है, इसकी बात अभी हम लोग करते हैं. ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, सॉरी इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, इज डिजाइंड टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस. ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, इज यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन. यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे खास बात है, यानी आपको अनुदेशन देने की अवधि में आपकी यानी कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस का मॉनिटर करना, यही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की खास बात है. डायग्नोस्टिक का मतलब इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. यानी कि अनुदेशन देते समय छात्र को कहाँ कमजोरी आ रही है, किन क्षेत्रों में डिफिकल्टी आ रही है, किन क्षेत्रों में छात्र कमजोर है, वीक है, किन क्षेत्रों में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ये पता लगाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में एक खास बात कि एन ई ग्रोनलैंड, जिनकी अभी उन्होंने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उन्होंने कहा है
कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर सिंपल लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसका काम है कि अगर किसी को चोट लग जाए जैसे तो उसको फर्स्ट एड देते हैं, वैसे किसी छात्र को कोई अधिगम में परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हम फर्स्ट एड की तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन काम करता है, जबकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सर्चेस फॉर द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का ये काम है कि वो ये पता लगाए कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे कारण क्या है, तभी उसका निवारण किया जा सकेगा। फिर समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन इज डन एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इंस्ट्रक्शन का एंड होने लगता है, टर्म एंड है, सेमेस्टर एंड है, उसके बाद उस समय ये किया जाता है टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड। यानी ये पता लगाने के लिए कि जो हम पहले उद्देश्य फिक्स किया हमने उसको हमने कहाँ तक अचीव किया है, ठीक है। और एक खास बात इसकी है, दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समेटिव इवैल्यूएशन इज टू असाइन ग्रेड्स टू दी प्यूपिल्स। यानी कि छात्रों को ग्रेड असाइन करना समेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में हम किस ग्रेड से पास हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये और जो तीसरा टाइप था जिसमें हम रेफरेंस या इंटरप्रिटेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं इवैल्यूएशन का, तो दो तरीके से उसको बांट सकते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस। देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या है, हम रेफरेंस उसको मानते हैं किसी क्राइटेरिया को, जैसे हम ये मान के चले कि 100 में 33 नंबर पास है, तो जितने भी छात्र 100 में 33 नंबर या 33 से ज़्यादा अचीव करेंगे वो सब पास हो जाएंगे, और जितने भी उतना नहीं अचीव कर पाएंगे वो फेल हो जाएंगे, साधारण सी यही बात है। जबकि नॉर्म रेफरेंस ये तय करता है कि आपने एक पॉपुलेशन में एक नॉर्म के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया। जैसे हिंदी में मान लीजिए कि छात्र जनरली 50 नंबर पा रहे हैं 100 में, तो अगर हम 50 से कम पा रहे हैं, 40 पा रहे हैं, तो वैसे तो हम पास हैं 100 में 33 के हिसाब से, लेकिन चूंकि छात्रों ने जनरली 50 नंबर सिक्योर किया है तो हमने जनरल या नॉर्मल या जो सेट क्राइटेरिया है उससे खराब प्रदर्शन किया है, तो हमारा इवैल्यूएशन होगा कि हमें खराब किया है नॉर्म के हिसाब से, लेकिन क्राइटेरिया के हिसाब से हम पास हैं, ओके। इसमें यही बात लिखी है, इसको आप पढ़ के खुद समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात आ गई फंक्शंस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, सॉरी एक और आना चाहिए, फंक्शंस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। हम लोगों ने फॉर्मेटिव समेटिव पीछे छोड़ दिया, उसमें फंक्शन रह गया। फंक्शन क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, डायग्नोसिंग। जब हम इन बिटवीन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आपको जज करेंगे, आपका इवैल्यूएशन करेंगे, तो ऑब्वियसली हम डायग्नोस करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है। प्लेसमेंट आपका कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं, डे टू डे प्रोग्रेस, मंथ टू मंथ, वीक टू वीक, कि आप अपग्रेडेशन हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है आपका पढ़ाई में, ठीक। और समेटिव का क्रेडिटिंग, हम आपको क्रेडिट देंगे कि आप किस हिसाब से पास हुए, सर्टिफाई करेंगे, प्रमोट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो दैट्स इट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में जितने पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आपको सब बता दिए ऑलमोस्ट, और लास्ट में रेफरेंस है जिन वेबसाइट से मैंने ये मैटर लिया है उसका जिक्र करना ज़रूरी है, बिकॉज ये मेरा लिखा मैटर नहीं है, मैंने कहीं से इसको लिखा है आपके लिए, कहीं से लिया है, ठीक, इसलिए रेफरेंस देना ज़रूरी है, ओके। तो आप इसे पढ़िए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉइंट आपको दिक्कत आ रही है, आप उसको कमेंट करिए, उससे पूछिए, तो उसका निवारण किया जाएगा, ओके।